और एक डायरेक्टर हैं अंकिता जी, जो कि हाल ही में राजकुमार हिरानी, जिनका हाल ही में एक हमने देखा कि मी टू कैंपेन चल रहा है, उनका एक नाम आया। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कैसे देखते हैं आप इन आई सारी थिंक आई एम चीज़ों नो को? वन टू जज अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि मैं अभी, मेरा डेब्यू हो रहा है इस चीज़ हाँ का, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसे उस अभी छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा सही होगा। थैंक जी, चलिए 25 जनवरी यू, मणिकर्णिका। थैंक यू, प्लीज़ जी देखिएगा। थैंक यू, थैंक थैंक यू जी, यू, थैंक यू, एंड गुड लक। थैंक यू सर। एंड और एक डायरेक्टर हैं अंकिता जी, जो कि हाल ही में राजकुमार हिरानी, जिनका हाल ही में एक हमने देखा कि मी टू कैंपेन चल रहा है, उनका एक नाम आया। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कैसे देखते हैं आप इन आई सारी थिंक आई एम नो चीज़ों वन टू जज अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि मैं अभी, मेरा डेब्यू हो रहा है को? इस चीज़ हाँ का, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसे उस अभी छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा सही होगा। चलिए 25 जनवरी थैंक यू, मणिकर्णिका। थैंक यू, प्लीज़ जी देखिएगा। थैंक यू, थैंक थैंक यू जी, यू, थैंक यू, एंड थैंक गुड लक। यू सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म की अगर मैं बात करूं, डेब्यू फिल्म है और बहुत तारीफ हो रही है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी की डेब्यू फिल्म इतनी सारी बातें हैं, एंड जब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं, कंगना रनावत हैं, जी आप हैं, डेब्यू फिल्म से आने से पहले अंकिता जी, ऐसी सारी बातें होती, चाहे मैं सोशल मीडिया की बात करूँ या मीडिया में अगर बात करूँ कि वाह बहुत ही अच्छी मूवी है, क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बींग, एज एन एज एन फैन? एक्टर, एज एन ह्यूमन बींग, एज ए ह्यूमन बींग से अपने यहाँ पे प्राउड होता है, और इतने हार्ड वर्क जो हमने किया है उसका जब ये रिजल्ट ऐसे मिलता है, लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है। जी, एंड स्वागत है आपका मणिकर्णिका फिल्म में एंड थैंक यू, जलकारी बाई थैंक यू। में। ये जो आपका कैरेक्टर है जलकारी बाई, ये हम जितना मेरा नॉलेज है इंडियन हिस्ट्री में एंड ऐसे जनरल में लोगों को बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, लोगों को पता ही नहीं पता है ही इस नहीं सिर्फ कैरेक्टर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बस लक्ष्मीबाई। वही है। बट ऐसा नहीं है, जितनी भागीदार अगर रानी लक्ष्मीबाई रही हैं उतनी ही भागीदार झलकरी बाई रही, झलकरी बाई रही, और सबसे ज़्यादा हर कोई जब उस वक्त शहीद हुआ है वो हर कोई उतना ही भागीदार रहा है। तो जब मुझे मौका मिला झलकरी बाई प्ले करने का, और जब मुझे ये पता चला कि वो इतना बड़ा हिस्सा थी, यू नो, मैंने तुरंत इसे अपने झोली में डाल लिया। मैंने बोला मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि एक ऐसे किरदार करने के मौके आपको हर बार नहीं मिलते हैं, और ऐसी चीज़ से किसी चीज़ का डेब्यू करना, अपने करियर का डेब्यू करना, इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं हो सकती। तो बस मैंने सोचा आई हैव टू ग्रैब इट, और मैंने पकड़ लिया, और मैंने झलकरी को जी जान से प्ले किया वो हमने देखा, जितने भी ट्रेलर में। पोस्टर जी आए, ट्रेलर आए, जी उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप मानती हैं कि इस फिल्म आने के बाद आपका जो कैरेक्टर, जलकरी बाई का जो कैरेक्टर है, वो बहुत पॉपुलर होता आई जा रहा विश है? ऐसा हो, मुझे मैं क्या, वो इतनी बड़ी हस्ती हैं झलकरी माई, तो अगर मैं उनको कुछ वो निभा कर, मैं कुछ इस फिल्म की वजह से वो अगर कुछ लोगों की नज़रों में आकर इतनी बड़ी बन जाएंगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और आई एम श्योर जो राइटर्स ने लिखा है, जो इन लोगों ने लिखा है, वो इसी मकसद से लिखा है कि जहाँ झलकरी माई को, जहाँ लोग सिर्फ एक हिस्से तक जानते हैं, अब वो पूरी दुनिया अब जानेगी पूरी झलकरी दुनिया को, अब वो जी पूरी दुनिया जानेगी। सो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मौका मिला ये करने का, जी और उनको, उनका, उनके इस उन झलकरी बाई को मेरी तरफ से, मैं मतलब प्रेजेंट करने का, कि प्रेजेंट मैं करने दिखा रही का। हूँ उनको झलकरी कैसी हो। आपका जो मैंने ट्रेलर में देखा है, जो पोस्टर, एक पोस्टर में मैंने जी देखा जी आपने ऐसे गन, गन हाथ में, एंड एक पोस्टर में मैंने एक फोटो में देखा गन के साथ आपने ही हूँ मैं हर जगह। हॉर्स में भी आप जी बैठे, तो एक कुछ वर्कशॉप करना, लाइक गन जी चलाने हाँ का, बिल्कुल, हॉर्स हमारे वर्कशॉप्स करवा। थे, 40 दिन के वर्कशॉप हुए थे हमारे, और उसमें जो हमारे निक पवेल करके डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर थे, वो वहाँ पर थे, और उन्होंने हॉलीवुड से आए थे वो हमें सिखाने के लिए। तो 40 दिन तक उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है प्रॉपर, और हो गया 40 दिन तक ट्रेनिंग दी हमें, और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। स्वॉर्ड फाइटिंग की हमने, तलवार चला